खंडवा में राहुल गांधी की यात्रा का प्रवेश हो चुका है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय राम रमेश जी है। सर, किस तरीके से यात्रा को मध्य प्रदेश में? सर, ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हालांकि सारा ध्यान देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान राहुल जी को, जो रोज 21-22 किलोमीटर चल रहे हैं पिछले 17 दिनों से। आज खंडवा देने हैं, खंडवा जिले से हम गुजर रहे हैं, कल बुरहानपुर में भरपूर स्वागत हुआ बुरहानपुर में की ओर से। और आज भी सुबह से सुबह 6:30 से हम चल रहे हैं खंडवा में। यहाँ भी कांग्रेस का सबका कांग्रेस आम जनता आई हुई है, महिला वर्ग अलग अलग समाज के अलग वर्ग आए हुए हैं हमारे जोड़ो यात्रा का, और खास तौर से राहुल जी का स्वागत करते हैं। किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है यात्रा में? कितनी आवश्यकता की, कितनी जरूरत की है यात्रा? पहले से हम चेतना आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नीयत से और प्रधानमंत्री की नीतियों से बहुत बड़ी गंभीर चुनौतियाँ हमारे देश के सामने, समाज के सामने। आर्थिक विषमताएँ बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और राजनीतिक तानाशाही एक हकीकत अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है हमारे देश में। तो इनके खिलाफ जो संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का नज़रअंदाज किया जा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। हम ये मानकर चले उदयपुर में कि हमें भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता में संपर्क होना चाहिए। हमारा संगठन तो ज़रूर मजबूत होगा, पर जो जनता की चिंता है, जनता के मन में जो आशंका है, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सब लोग परेशान हैं, सब लोग पीड़ित हैं। तो ये मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल गांधी ने कल एक बड़ा हमला भी बोला था, बीजेपी की विधायक देखा जा रहा है, मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या 2014 से शुरुआत है, और हर रोज कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को। और मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारा देश में बिना घोषणा करते हुए एक इमरजेंसी तानाशाही। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, साफ कहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, साथ ही लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं। इमरान खान, News24 खंडवा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।